अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ीशान और मैं वेलकम करता हूँ आपको जेड एस बर्ड इन्फो पे और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं रावलपिंडी में मौजूद कॉलेज रोड पर जो बर्ड मार्केट है वहाँ गया था। उधर का जब मैंने विज़िट किया तो मुझे दो फिशर तोते चाहिए थे, ग्रीन फिशर लव बर्ड के। तो जब मैंने मार्केट का विज़िट किया और मुख्तलिफ परिंदों की कीमतें पूछी तो मुझे मालूम हुआ कि फ़िशर की कीमत अब बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है। इसका एक पेयर 3500 रुपये में मिल रहा है मार्केट में, जबकि ये जो आप वीडियो में दो तोते देख रहे हैं ये मुझे 3000 रुपये में मिले हैं। मैं उसे 2500 कह रहा था लेकिन उसने 3500 कीमत बताई और एंड पे उसने 3000 रुपये में मुझे ये दो तोते दिए। मुझे ये बर्ड ख़रीदते वक्त जिन चीज़ों का ख्याल रखना था वो मैंने देखी कि इनकी आँखें, इनकी नोज़, इनके फैदर, इनकी टांगे और इनके नेल्स सब हेल्दी और एक्टिव थे और बर्ड भी प्रॉपर एवरी में उड़ रहा था अच्छे तरीके से। तो जब मैंने ये बर्ड्स ख़रीदे तो मैंने दूसरे परिंदों की भी कीमतें पूछी उससे, जिसमें ऑस्ट्रेलियन बर्ड जो कि जिसे हम बजीज़ कहते हैं, ब्लैक आइज़, वो 800 रुपये का था और रेड आइज़ जोन सा था वो 1000 रुपये का, जबकि डायमंड डव या चाइना डव इसकी कीमत नीचे आ गई हुई है। इसका एक पेयर कुछ लोग 1200 का तो कुछ लोग 1500 रुपये का सेल आउट कर रहे हैं। अगर छोटे रिंग नेक पैरेट की बात करें बच्चों की, जिसे हम सबज तोते या काठे तोतों के नाम से जानते हैं, तो उसका बच्चा कुछ लोग 3500 और कुछ लोग 4000 रुपये का दे रहे हैं। हर किसी का अपना रेट है, हर कोई अपने रेट के मुताबिक चीज़ें दे रहा है। जबकि अगर दाने की बात करें तो जो दाना है, जो लव बर्ड का दाना है, कॉकटेल का दाना है और बजीज़ का दाना है, वो कुछ लोग 200 रुपये केजी, कुछ लोग 230 और कुछ लोग जो हैं वो 250 रुपये केजी सेल आउट कर रहे हैं। मैंने कहा आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।